जॉब दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे का मतलब होता है ऐसे थोड़ी ना करते हैं। इसका कुछ सेंटेंसेस देखेंगे हम। ऐसे थोड़ी ना रोते हैं तो मतलब इसका क्या होगा, दिस इज़ नॉट द वे, रोते का होगा टू वीप। सेकेंड एग्जाम्पल, ऐसे थोड़ी ना सोते हैं तो दिस इज़ नॉट द वे, सोते का हो जाएगा टू स्लीप। तीसरा, ऐसे थोड़ी ना गाते हैं तो दिस इज़ नॉट द वे, गाते का क्या हो जाएगा टू सिंग। और चौथा देखेंगे, चौथा क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं तो दिस इज़ नॉट द वे, हंसने का क्या हो जाएगा टू लाफ। अब पचवा देखेंगे, ऐसे तो थोड़ी ना बोलते हैं तो दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, अब बोलना का क्या हो जाएगा टू स्पीक। छठा, ऐसे थोड़ी ही चलते हैं तो दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, चलते का क्या हो जाएगा टू वॉक। सातवां देखेंगे, ऐसे थोड़ी नाचते हैं, सातवां तो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, और नाचने का क्या हो जाएगा टू डांस। आठवां एग्जाम्पल, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं तो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू ईट, खाते का क्या हो जाएगा टू ईट। यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना का क्या हो जाएगा दिस इज नॉट द वे, खाते का क्या हो जाएगा टू ईट। नौवां देखेंगे, नौवां है ऐसे थोड़ी ना देखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, और देखने का आ जाएगा टू लुक। दसवां, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, पढ़ने का क्या जाएगा टू रीड। प्लीज आपको ये समझ में आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।